तो यार आज की वीडियो में हमारे साथ ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ गोकू है। जो बचपन में आपने ड्रैगन बॉल देखा है तो गोकू के मेन हिंदी वॉइस अंकुर जवेरी सर रह चुके हैं। तो हुआ ये, मैं और अंकुर सर कल रात में डिस्कशन कर रहे थे कि सर नई मूवी आने वाली है, बहुत मजा आ जाएगी। हमारे आपस में बात ये हो रही थी कि कोशिश करेंगे हम कुछ करके ये मूवी को हिंदी में लेके आने की, क्योंकि अगर ये मूवी हिंदी में आएगी तो इसका मजा कुछ और ही होगा मेरी मानो। और मैं सर को ये कह रहा था और सर मुझे ये कह रहे थे, देखो अगर हिंदी में लेके आना तो तैयारी कम से कम हमें अभी से शुरू करना होगा, अभी से लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, अभी से कम एक एनिमेशन स्टूडियो वाले लोग को एक मैसेज मिलना चाहिए कि इंडिया से भी डिमांड है, इंडिया से भी लोग चाहते हैं कि वो लोग उनकी लैंग्वेज में देखें। हमारे आपस में यही बात चल रही थी कि हम डिजर्व करते हैं हमारी लैंग्वेज में भी देखना। फिर ऐसे ही बात करते करते जैसे स्पॉयलर्स मैं आप लोग को बताता हूं, वैसे ही मैंने सर को भी व्हाट्सएप पर बताना शुरू कर दिया कि सर आपके राइटर ने ऐसा ऐसा कहा है कि मूवी एक अलग लेवल की होने वाली है, एकदम एस्थेटिक होगी, क्या मालूम क्या करने वाला है वो। और बोल रहे हैं बहुत लोग कि इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर होगा और इसी टेरिटरी में वो लेके जाएंगे जहां हम आज से पहले कभी गए नहीं। तो मैं बोला सर काम करो, अपने रिएक्शन को आप रिकॉर्ड कर लो, जो आप मुझे अभी कहना चाहते हो उसको रिकॉर्ड कर लो, जिससे मैं अपने चैनल पर सीधा अपलोड कर दूं, मेरे लिए कंटेंट हो जाएगा और मैं अकेला नहीं पूरा ड्रैगन बॉल का फैंडम जो इंडिया में आपका फैन है सबको सुनने का मौका मिलेगा कि आपका क्या रिएक्शन है इस मूवी को लेके, आप इस अनाउंसमेंट को कौन से नजरिए से देखते हो। और आप तो हिस्सा रह चुके हो ड्रैगन बॉल जी का, वो भी मेन कैरेक्टर गोकू का रोल किया आपने, तो आपके लिए तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी है। तो आज आप कैसा फील करते हो वही चीज में जिसमें आप काम कर चुके हो, आज 2021 में उसकी इतनी बड़ी अनाउंसमेंट आई है और लोग चाहते हैं वो हिंदी में आए। तो मैंने 3 सवाल मैंने अंकुर सर ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ गोकू को लिखकर भेजे कि सर ये मेरे सवाल है, अगर हो सके तो इसे रिकॉर्ड कर लो आप, फिर हम हमारे चैनल पर अपलोड कर देंगे। पहला सवाल ये था कि आपको कैसा लगा इतना मैसिव रिस्पॉन्स देखकर और इतना सडनली अनाउंसमेंट सुनकर, और इस अपॉर्चुनिटी को आप किस नजरिए से देखते हो, इस चीज को आप कौन से डायरेक्शन में देखते हो। फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कम्युनिटी में इतनी हाइप है, आपको कैसा फील हो रहा है, और अगर आपको बाय चांस मौका मिलता है फिर हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा तीसरा सवाल ये था जो फ्रेंचाइज में आप काम कर चुके हो, जिसका हिस्सा रह चुके हो आप, आज इतना बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है और खास करके इसकी सबसे पहली खबर इंडिया से ही निकली, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। Hi Farhan, hey, how are you here? Firstly and foremostly, तुम्हें और तुम्हारे सभी सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स को a very happy Goku Day. And coincidentally, it is Mother's Day also, so a very happy Mother's Day. And so the mother of all news, जिसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ी जो खबर है, वो ये है कि 2022 शायद मार्च के आसपास Dragon Ball Super की लेटेस्ट फिल्म रिलीज होने वाली है। हालांकि 2-3 दिन पहले ही ये खबर थोड़ी लीक हो गई थी, बट ऑफिशियली स्पीकिंग आज 9th को गोकू डे पर अकीरा टोरियामा वॉज गोइंग टू सरप्राइज अस विद दिस न्यूज़। हालांकि कुछ लोगों ने स्पॉयलर्स दे दिए थे पहले से ही, और मुझे तो ये ऐसे पता चला कि इंस्टाग्राम पे मैं थोड़े टाइम से इनएक्टिव हो गया था। आई थिंक लास्ट हम लोगों ने मांगाज डब किए थे अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद सारे फैंस और फॉलोअर्स के डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी टीम ने एक वीडियो बनाया था गोकू वर्सेस ब्लैक गोकू, जो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अंकुर जवेरी ऑफिशियल पे हम लोगों ने रिलीज़ की थी। उसके बाद तो कुछ खास मैं अपलोड नहीं कर रहा था, और इंडिया में भी कोरोना काफ़ी एक्टिव हो गया, तो चारों तरफ माहौल भी थोड़ा सा डिप्रेसिंग था, और ना ही तो कुछ पोस्ट करने का मन हो रहा था, ना ही तो कोई ड्रैगन बॉल की ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही थी, तो सारे फैंस और हम सब लोग कुछ एक्सपेक्ट तो कर ही नहीं रहे थे। और अचानक से ये एक लहर उठ गई और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस धन 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 आने लगे कि सर आपने विक्सर का अनाउंसमेंट देखा या पढ़ा या सुना, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस न्यूज़। और जब तुम्हारी पोस्ट देखी मैंने तो मुझे पता चला कि ओ वाओ, दिस इज द मदर ऑफ ऑल न्यूज़। तो मदर्स डे पर द मदर ऑफ ऑल न्यूज़ हमें टोरियामा ने दिया है, एंड इज इंट इट फैंटास्टिक, आई मीन ऑल ऑफ अस, हम सब कितने खुश हैं और एक्साइटेड हैं मोर देन एनीथिंग, और ये शायद मोस्ट अवेटेड ड्रैगन बॉल मूवी होने वाली है। तो ये जैसे ही न्यूज़ मुझे मिली इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे अपने दोस्त और फैंस और फॉलोअर्स, जो भी शब्द तुम यूज़ करना चाहो, उन्होंने मुझे कुछ अलर्ट दिए और कहा कि प्लीज़ चेक दिस न्यूज़, इट्स जस्ट कम अप। आई वॉज़न्ट क्वाइट श्योर कि ये हो रहा है या ऐसे ही कोई फेक न्यूज़ है। देन आई सॉ योर पोस्ट, देन आई सॉ नेगेसिस पोस्ट, और मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिन लोगों ने मुझे ये गोकू के बहुत सारे वीडियोस बनाने में मदद की है, उन लोगों ने भी बताया, जिसे आप लोग टीम गोकू कहते हैं या टीम अंकुर जवेरी कहते हैं, आप ही के जैसे फैंस हैं,
जो जुड़कर ये सारे वीडियोस बनाते हैं और मैं उनको डब करता हूं ताकि आप लोगों का मनोरंजन कर सकूं। बिकॉज बात यह है कि 11 सालों से कोई भी एपिसोड या कोई भी नई फिल्म हम लोगों ने डब नहीं की है ड्रैगन बॉल के लिए, और मैं भी गोकू को और ड्रैगन बॉल सीरीज़ को उतना ही मिस कर रहा हूं। और मेरी भी चाह है कि ये हिंदी में आए, ना सिर्फ इंग्लिश में। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप एंड प्रे कि इसे डबिंग स्टूडियोज पिकअप करें और हमें मौका दें कि हम सब जो ओरिजिनल कास्ट हैं वॉइस आर्टिस्ट्स की, वो इस फिल्म को डब करें ताकि आप सब वैसे ही गोकू को फील कर सकें जैसे 11 साल पहले आप लोगों ने किया था। सो यस, डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड टू। और अगर मान लो कि हिंदी में ना भी आए तो भी हमें इसे बहुत सपोर्ट देना चाहिए, बहुत सपोर्ट करना चाहिए, इवेंट रखना चाहिए हमें, और सभी को आकर के इसे एक साथ हमें मिलके इस फिल्म को देखना चाहिए। लास्ट टाइम आई थिंक यू हैड केप्ट एन इवेंट और मैं आ नहीं पाया था बिकॉज हम लोग टच में नहीं थे तभी। बट इस बार अगर लॉकडाउन और कोरोना वगैरह सब सेटल हो जाए तो सब मिलके एक साथ ये फिल्म देखेंगे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। एंड एट द सेम टाइम अभी तो इसके काफ़ी स्पॉयलर्स आएंगे और इसके काफ़ी अपडेट्स आते रहेंगे और इवन टीजर्स आते रहेंगे। तो सिर्फ फिल्म ही नहीं, ये जो पूरी जर्नी है फिल्म तक हमें जो ले जाएगी वो हम सबको मिलके एंजॉय करनी चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है बिकॉज इस तरह से क्या है कि जो कुछ कंट्रीज़ में अगर ड्रैगन बॉल की अवेयरनेस और मूवमेंट वगैरह कम हो गई है, इस तरह की चीज़ें अगर होती रहेंगी तो वापस वो रिवाइव हो जाएंगी, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है और इतने सालों तक लोगों का इंटरेस्ट इसमें इतना बरकरार रहा है, इसके बावजूद कि इतनी दूसरी अलग अलग स्टोरीज आती रहती हैं, एनिमेशन आते रहते हैं, एनिमे आता रहता है, बट सिंस द लास्ट सो मेनी इयर्स इफ ड्रैगन बॉल हैज स्टिल कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ सो मेनी पीपल और हम सबका इंटरेस्ट इसमें आज तक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा श्रेय टोई एनिमेशन, अकीरा, उनकी पूरी टीम, उनको तो जाता ही है। बट एट द सेम टाइम मैं ये खास तौर पे मेंशन करना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे जैसे यूट्यूबर्स, एंड टू बी ऑनेस्ट नॉट जस्ट यू बट ऑल ऑफ यॉल हु आर कीपिंग दिस अलाइव, ये पूरी ड्रैगन बॉल कम्युनिटी, एनिमे कम्युनिटी जिस तरह से अपडेट्स देते रहते हैं और सारे फॉलोअर्स और लिसनर्स को इंटरेस्टेड रखते हैं आज तक, इट्स हैट्स ऑफ टू यू गाइज यार। और मेरी तरफ से मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। अक्टूबर से, लास्ट ईयर अक्टूबर से मैं सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ, तब से लेकर आज तक इन माई ओन स्मॉल कैपेसिटी आई हैव ट्राइड टू डू एज मच एज आई कैन टू रीच आउट टू ऑल ऑफ यू ऑल इन द वॉइस ऑफ गोकू, ताकि वो सेम फ्लेवर बरकरार रहे। और हाँ, अगर ये ड्रैगन बॉल सुपर मूवी हिंदी में डब होती है तो मैं तो अपना 100% दूंगा ही, और अपनी भाषा में इसे देखने का मजा ही कुछ और होगा। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गोकू डे, और मैं सारे एनिमे और ड्रैगन बॉल के यूट्यूबर्स को हैट्स ऑफ कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी पूरी कम्युनिटी में रहती है, और यही चीज़ ये एनिमेशन स्टूडियोज़ वाले भी देखते हैं कि डिमांड कितनी है मार्केट में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और आप सबके चहेते इंडियन गोकू की तरफ से कामेहामेहा। तो अंकुर सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और लोगों में हाइप बनाने के लिए, क्योंकि वो मजा ही अलग होता है जब आप उनसे सवाल करते हो जो ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ गोकू रह चुके हैं और ड्रैगन बॉल के साथ जुड़े रह चुके हैं। खास करके हमारी सबकी उम्मीद यही होगी कि टॉय वाले ड्रैगन बॉल सुपर वाले टेंडर पास करें हिंदी डब को लेके, और बाकी काम तो आप लोग करना ही जानते हो। और मैं उम्मीद करता हूं और मैं कोशिश करूंगा, पक्का नहीं करा लेकिन कोशिश पूरी होगी कि अंकुर सर से लेके जितने भी सब लोग को मैं जानता हूं उनको कम से कम मेरे जितने भी जो मतलब है कॉन्टेक्ट है उनके जरिए मैं हिंदी डब की एक मुहिम चला सकूं। खैर अभी उसके लिए टाइम है, लेकिन अभी से हमें तैयारी उसकी करना शुरू करना पड़ेगा अगर हमें चाहिए। तो अगर आपको अंकुर सर को यानी कि ऑफिशियल हिंदी वॉइस ऑफ गोकू को फॉलो करना है तो उनके इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उन्हें फॉलो करो और सपोर्ट करो। और वीडियो को आज तो लाइक करना बनता है यार, और अभी बहुत सी मूवी के अपडेट आने वाले तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहो। तो अंकुर सर के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना जिससे आप लोग नई ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी के बारे में कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।